वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिया ब्यूटी के स्टाइल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी भाभी की बेबी शॉवर की कुछ पिक्स एंड कुछ अच्छी सी वीडियो, जिसमें हमने खूब मस्ती की है और खूब मज़े किए हैं। हाँ, मेरी भाभी का भी बेबी शॉवर निकल गया है। मैं थोड़ी वीडियो डालने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, बट आज मैं वो वीडियो डालने वाली हूँ। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि किस के यहाँ पर ऐसे बेबी शावर होता है और क्योंकि आप लोग कितनी मस्ती करते हैं। और ये देखिए पीछे मेरे प्लांट्स हैं जो सूख रहे हैं, तुलसी माता ठंडी की वजह से सूख रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद सही हो जाएंगी, थोड़ी सी गर्मी आएगी तो ठीक हो जाएंगी। और प्लांट्स लगाना किस किस को पसंद है वो बताइएगा, और कौन कौन प्लांट लगाना चाहता है, कौन से प्लांट्स लगाना चाहता है सब बताइएगा। कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करना ना भूलें। जब घर गए थे तो हम बाय ट्रेन गए थे, और ट्रेन में नित्य हमने खूब मस्ती की थी। ये बहुत ही ऊधम करने लगा है, और घर पहुंचकर सानवी ने छोटे मामा के साथ और नित्यम ने बड़े मामा के साथ बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स करवाई। ये देखिए इसने बहुत 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 इन्जॉयमेंट किया था वहाँ पर। और अब हमारी कुछ ही देर में बेबी शावर की पिक्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए हमारी बेबी शावर की पिक्स, यहाँ पर हम लोगों ने घर पर ही बेबी शावर की ये डेकोरेशन की थी। ये डेकोरेशन बहुत मुश्किल से हुई थी, यहाँ पर बलून से रुक ही नहीं रहे थे इस दीवार पर, क्योंकि अभी अभी ये वहाँ पर पेंट हुआ है, इस वजह से बलून इस पर चिपक ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके हमने डेकोरेशन कर ही ली, लेकिन डेकोरेशन ज़्यादा देर तक रुकी नहीं थी। चलिए हम देखते हैं आगे के पिक्स। और ये है मेरा छोटू सा बच्चा, छोटू सा भतीजा। ये केवल अभी 2 मंथ का हुआ है, आप इसे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए और इसकी तबीयत सही रहे, बस इसी की यही दुआएं कीजिए इसके लिए। और फिर उसके बाद हमने की है खूब सारी मस्ती, डांस, धमाल। तो देखिए, लेकिन मैंने इसमें सॉन्ग ऐड नहीं किया है, क्योंकि सॉन्ग ऐड करने से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और फिर वीडियो को पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो यूट्यूब उसे स्ट्राइक लगा देता है। इस वजह से मैंने इसमें कोई भी सॉन्ग ऐड नहीं किया है। और डांस हमारा ऐसे ही देख सकते हैं, बच्चों ने भी खूब मस्ती की थी डांस करने में, बच्चे भी पीछे नहीं रहे थे। यहाँ देखिए बच्चे भी डांस कर रहे हैं, नित्यम और सानवी ने भी डांस किया था। ये देखिए नित्यम अपनी बहन को डांस करने के लिए कह रहा है, और वो गाना सुन रही है और गा भी रही है अपने मुंह से। यहाँ पर मेरे पापा हैं ये। मम्मी पे डांस नहीं आता है, वो नहीं कर पा रही है। हमने बहुत मस्ती की थी वाकई में। यहाँ पर मैं और मेरी भाभी भी डांस कर रही हैं, हमने भी थोड़ा सा डांस कर ही लिया था, लेकिन डांस करते करते वो डीजे बंद हो गया था तो हमारी हंसी भी बनी थी। और उसके बाद हम गए थे, हमारी गली कॉलोनी के बाहर ही दौलताबाद वाली माता का मंदिर है, तो हम वहाँ के दर्शन करने गए थे विद फैमिली, पापा भाइयों के साथ। तो यहाँ पर हमने दर्शन किए, ये हैं शनि महाराज का मंदिर और ये हैं दौलताबाद वाली माता, ये बहुत फेमस है वहाँ का। तो चलिए ब्लॉग का एंड, बाहर बहुत शोर हो रहा है जिसकी वजह से शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को हल्की सुनाई दे। तो यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट करना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाया करें। बाय बाय।